झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में बिरसा चौक के पास अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के बाद प्रभावित लोगों की आंख से आंसू निकल आए। सभी प्रभावित लोग इस ठंडे में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। उनका जायजा लिया संवाददाता मदन ने। समीप आज भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रेलवे की जमीन पर जो लोग घर बनाए हुए थे, करीब हजारों घर आप देख सकते हैं, रेल पटरी के दोनों किनारे बनाए हुए थे। और इसमें जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो डाई का काम करते थे, जो ठेला पर काम करके अपना जिंदगी चलाते थे, कई तरह के ऐसे छोटे मोटे काम थे जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब देखिए उनका ये आसियाना टूट चुका है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर अपने घर के मलबे को हटाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। जो कुछ भी सामान इससे निकल पाए, जो कहीं और आसियाना बनाएंगे उसमें उसका उपयोग हो, अब उस चीज़ की तलाश लोग कर रहे हैं और किसी तरह से मशक्क़त कर जो है वो सामान को यहाँ से हटाने में जुटे हुए हैं। जो लोग यहाँ जिनका घर टूटा है वो रो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी, मतलब मेरा सपनों का जो आसियाना था वही टूट चुका है। अब देखना होगा कि आखिर सरकार के द्वारा इन लोगों को क्या कुछ मदद मिलता है। बचपन से यहाँ कर रहे हैं, इसको तोड़ दिया, बेघर कर दिया है। हम लोग को यहीं बड़े थे, अभी इतना लोग बेघर हो गया, कहाँ मिलेगा इतना जल्दी। हम लोग को रूम के लिए कहाँ व्यवस्था हो सकता है। सारा बर्तन सारा चीज इधर फेंका हुआ है, देख करके रोने का मन कर रहा है। मेरी माँ का उतना आर्थिक स्थिति अच्छा भी नहीं है और आ करके तोड़ दिया हम लोग को। ऐसा नहीं लग रहा था थोड़ा सा बच जाएगा तो कम से कम पेट पालने के लिए एक जगह बच जाएगा, लेकिन सरकार मोदी सरकार से हम ये विनती करते हैं कि हम लोग को जगह दिलाए। यहाँ पर इतना कोई इतना बेघर इतना मतलब ऐसा हम लोग सोचे ही नहीं थे कि यहाँ टूटेगा। आते आते आंसू निकल रहा है, ऐसा फेंका हुआ सामान। हम लोग को कहीं व्यवस्था भी नहीं दिया गया है और इस तरह आके डोजर चला दिया। ठीक है उनका चीजें ले लिया, लेकिन इतने लोग कहाँ जाएंगे आज इस महंगाई के समय में, कहाँ मिलेगा रेंट। 10,000 का रेंट ढूंढने जाओ तो 10,000 का रेंट मिलता है। हम लोग का ऐसा स्थिति नहीं है कि 10,000 का हम लोग रेंट में रह सके। इतना बुरा स्थिति में सरकार को जरा सा टाइम देना चाहिए था, हम लोग को व्यवस्था भी देना चाहिए था और उसके बाद तोड़ते, लेकिन कोई व्यवस्था देने के कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया है और तोड़ने के लिए यहाँ बुलडोजर लगा दिया। टूट गया, क्या कहिएगा, क्या कहेंगे आप, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। अब जंगल झाड़ में रहेंगे कि सरकार देगा कि हम लोग को घर। कितना साल से कितना साल से रहते हैं? 20 साल से। 20 साल हम लोग 70 साल से हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, मैडम बोलिए। क्या तो कहा गया था खाली करने के लिए, नोटिस दिया था? नोटिस दिया गया था। अच्छा, तो लेकिन उम्मीद था कि सरकार कहीं घर देगा। हाँ, हम लोग को उम्मीद था कि सरकार कहीं घर देगा, लेकिन दिया नहीं। अब तो कहाँ रखेंगे सरकार, अब हम लोग को जंगल में रखेगा कि रोड में रखेगा।